और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो आप सभी पेड मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है जो अभी करंट में TNPL के और मंथली पैकेज जिन्होंने लिया है। ज़्यादातर T20 ब्लास्ट वाले जो पेड मेंबर्स हैं उन्होंने पहले ही मंथली पैकेज अपग्रेड करवा लिया था। उनको पता था कि 16 तारीख को उनका पैकेज कम्प्लीट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। एंड उनको हमने कल भी विन करवाया जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था। और कल एक्चुअल में जो मैच हमने डिजाइन किया था वो मेनली उन लोगों के लिए डिजाइन किया था जो कि हमारी टीम को लीक करते हैं या टीम लीकर से टीम लेते हैं। तो उनको हमने कल फिर से बड़ा लॉस करवाया, जैसा कि हम हमेशा करवाते हैं और आगे भी हम करवाते रहेंगे। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं और जो हमसे जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली है, प्राइम मेंबर्स हमारे 3-4 साल पुराने पेड मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम प्राइम में कन्वर्ट करते हैं अगर उन्होंने रेगुलरली हमारा पैकेज लिया है प्लस उन्होंने हमारे एक एक रूल्स को फॉलो किया है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हमारा प्राइम मेंबर बनना, इसलिए जो हमारे प्राइम मेंबर्स होते हैं एक एक मैच में 10-15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़े विनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 लाख भी करते हैं, 50,000 भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आज कौन कौन से मैचेज हम कवर करेंगे, कल आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ये मैच भी कवर किया था। हमारे पास टाइम जनरली नहीं होता है और जिस मैच में हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है वो हम टेलीग्राम पे ही बता देते हैं कि आज हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमको हर एक मैच में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने 35 करोड़ से ज़्यादा फैंटेसी गेम से विन किया है और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं मैच को देख सकूँ। जब मैच देखने का टाइम रहेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँगा। यहाँ पर अगर मैं देख आप देख सकते हो कल हमने रात में भी कवर किया था एक मैच, हमारे मेम्बर्स ने विन किया। यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या है कि मैचेज बहुत सारे होते हैं तो सभी मैचेज की ना तो हम विनिंग शेयर कर सकते हैं ना तो मेंबर्स की विनिंग हम शेयर कर सकते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। आई होप कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप हर एक मैच की विनिंग देख सको। जब टाइम मिलता है तो हम लोग विनिंग यहाँ पर शेयर करते हैं। मेम्बर्स की विनिंग हमने किसी किसी मैच की शेयर की होगी जितना जितना हमको टाइम मिलता गया, जिसका जिसका हमने मैसेज हमको देखने का समय मिला उसकी विनिंग हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड 9140233474 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 9140233474 ये नंबर भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज हम कौन कौन से मैचेज कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज ECS T10 रोम के मैचेज हम कवर करेंगे जो कि हर एक सीजन हमारे लिए अच्छा प्रॉफिट लेकर के आता है। तो हम लोग T10 के मैचे उसी दिन टारगेट करते हैं जिस दिन हमारी किसी प्रीमियम सीरीज का मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे ECS T10 हम कवर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मैचेज हैं, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे मैचेज हैं, तो हम इसमें सेलेक्टेड मैचेज कवर करेंगे, वो हम अपने मेंबर्स को बताएंगे और वो लीग ज्वाइन करेंगे। प्लस यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन का ODI मैच है, तो अगर हमको ये प्रॉफिटेबल लगेगा तभी हम अपने मेंबर्स को टीम देंगे। हम इसको टारगेट कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जिसकी गारंटी है वो आयरलैंड और न्यूजीलैंड का T20 है, बिकॉज ये T20 है प्लस इंटरनेशनल है प्लस एक वीक टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन आयरलैंड जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस कर रही है, कुछ समय से इंडिया के अगेंस्ट भी 3rd T20 में लगभग चेस कर ही लिया था इन्होंने और काफ़ी अच्छी टीम उभर करके सामने आ रही है। जो इनके पुराने प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे ट्रैक्टर वगैरह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो एक अच्छी टीम है। तो T20 में कोई भी विन कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रात में जैसे हमने बुखातिर T10 लीग हमने कवर की थी कल, मे भी हम कवर कर सकते हैं डिपेंडिंग कि कितना प्रॉफिट हमने आज टारगेट किया था। हम दिन की शुरुआत में एक प्रॉफिट टारगेट कर लेते हैं, वो प्रॉफिट अगर हम अचीव नहीं कर पाते या उसके आसपास नहीं पहुंच पाते तभी हम किसी दूसरे मैच को हाथ लगाते हैं। आपको भी फैंटेसी गेम इसी तरीके से खेलना चाहिए, आपको एक प्रॉफिट को टारगेट करना है। अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपको लॉस हो रहा है आज के दिन, अगर लॉस हो गया, देखो फैंटेसी गेम है जितना जीतने का चांस होता है उतना ही लॉस का भी चांस होता है। लेकिन आप अगर हमारे पेड मेंबर हो और रेगुलरली आप हमसे अगर मेंबरशिप ले रहे हो, हमको लगता है कि आप विनिंग डिजर्व करते हो तो हम आपको विन करवाएंगे। अगर हमको लगता है केवल आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो हमसे, विन हम आपको लगातार करवा रहे हैं, ना तो आप अगला पैकेज अपग्रेड करवा रहे हो ना तो आप हमारे रूल्स को कई बार फॉलो कर रहे हो, तो फिर हम आपको विन नहीं करवा सकते। जितना हमने आपको प्रॉफिट करवाया है पूरी सीरीज में, लास्ट के 1-2 मैच में हम आपको लॉस भी करवा सकते हैं। तो हमको ऐसे मेंबर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो इन्वेस्टमेंट तो लाखों में करते हैं लेकिन जब मेंबरशिप लेने की बात आती है तो फिर वो डिस्काउंट डिमांड करते हैं। तो ऐसे मेंबर्स को हम कभी भी विन नहीं करवाते हैं। जो बड़ा विन करना चाहते हैं,
वो हमसे पूछते तक नहीं है, बस ये पूछते हैं आगे कौन सी सीरीज आने वाली है, वो डायरेक्टली हमको पेमेंट करते हैं और पैकेज को अपग्रेड करवा लेते हैं, यहाँ तक कि विन करने के बाद भी हमको पेमेंट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी उनको मना करते हैं कि वो हमको नहीं चाहिए। हमारे प्राइम मेंबर्स एक एक मैच में 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर मैच वो लाखों पेमेंट करने को हमको रेडी हैं, करते भी हैं, लेकिन हम नहीं लेते हैं, बिकॉज हम केवल उतना ही पैसा आपसे लेंगे जितना हमारे खर्चे हुए हैं, बिकॉज हमको पेड मेंबरशिप से 1 रुपये की भी सेविंग नहीं होती है, उससे ज़्यादा हमारे न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करने में एक्सपेंसेज हो जाते हैं, हमारी ऑलरेडी फिक्स्ड इनकम आती है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे प्रोफेशनल करियर हमारा है वहाँ से आती है, और भी हमारे जो बिजनेस है उससे आती है, तो और इसके अलावा हमारा फैंटेसी एप्लीकेशन है उससे आती है, तो हमको पेड मेंबरशिप के से केवल उतने ही पैसे चाहिए जितना हमारे खर्चे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम स्पॉट डिसाइड करते हैं। अगर हमने 5 स्पॉट 10 स्पॉट इंक्रीज किया है, उसके रेशियो में हम जैकपॉट मैचेज की संख्या भी बढ़ाते हैं, तो अगर हमको 1 लाख 2 लाख मिल गया पेड मेंबरशिप से, तो फिर हम 1 जैकपॉट मैच या 2 जैकपॉट मैच हम बढ़ा देते हैं, डिपेंड करता है कौन सी सीरीज है उसमें कितना हमको पेमेंट करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। वो पैसा हम अपने पॉकेट में नहीं रखते हैं, जो हमारे ओल्ड मेंबर हैं वो ये जानते हैं सारी बातें। जो हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज है वो सबसे हाई है मार्केट में, बिकॉज हम विनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं और उन्हीं को करवाते हैं जो डिजर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि टीम को लीक करेंगे, या तो आपको ये सोचेंगे कम पैसे में हम सागा फ्लैशबैक का पेड मेंबरशिप लेकर के हम उसको लीक करें, तो उनको तो इतना बड़ा लॉस करवा दिया जाता है हर सीरीज में हर सीजन में, कि हमसे पेड मेंबरशिप आगे लेना तो दूर की बात है, उनका फैंटेसी करियर ही हम ख़त्म कर देते हैं वहाँ पे, और हमसे जब वो नहीं भी लेते हैं तो भी आगे उन्हीं के अगेंस्ट हम ज्वाइन करवा करके लीग उनको काफ़ी बड़ा लॉस करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, फैंटेसी में अगर आप लॉस में हो, हमारे अलावा आपको लॉस कोई भी रिकवर नहीं करवा सकता है, लेकिन आपको हमारे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर आप अपने मन का काम करोगे तो आपको लॉस होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो T10 मैचेज हैं, जो हमारे पेड मेंबर नहीं हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, T10 मैचेज में हमेशा आपको लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, और लिमिट से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट मत करना, याद रखना हमेशा लिमिट में ही इन्वेस्टमेंट करना, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, और कोशिश करना 4 मेंबर वाले लीग को अवॉइड करना। भले ही हम लोग 4 मेंबर वाली लीग ही ज़्यादातर ज्वाइन करते हैं, हम लोग ओपोनेंट देख करके ज्वाइन करते हैं, मैच को देख करके ज्वाइन करते हैं, सारी चीज़ें देख करके ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब ये चीज़ें आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी। आप हेड टू हेड और 3 मेंबर को ज़्यादा टारगेट करो T10 जैसे फॉर्मेट में, और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मैच हो, एक वीक टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम, उसको आप जैकपॉट मान करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। हमने तो इंग्लैंड और इंडिया में भी जैकपॉट बना दिया और काफ़ी बड़ी विनिंग की। तो अभी हो सकता है प्रेडिक्शन का वीडियो, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बना करके दूंगा आप सभी की हेल्प के लिए, जिसमें कि खास करके होगा आयरलैंड और न्यूजीलैंड। वैसे तो तमाम यूट्यूबर पहले ही वीडियो बना चुके होंगे और आप फिर से उन वीडियोज को देख करके हार जाओगे, क्योंकि उनका पर्पज केवल और केवल प्रमोशन करना है और हमारा पर्पज केवल और केवल आपको विन करवाना है। चाहे आप पेड मेंबरशिप ले करके विन करो, चाहे तो हमारे वीडियो को देख करके विन करो, बिकॉज हमको इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाल करके हम लोग प्रेडिक्शन के वीडियो जब भी टाइम मिलता है बनाते रहते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपका होस्ट चंदू संकुरी साइनिंग आउट, बाय बाय।